हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गौ माता ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम, नहीं आया कोई डॉक्टर। गांव के लोग 5 घंटों तक फोन करते रहे मगर नहीं आया कोई मौके पर डॉक्टर। डॉक्टर साहब जल्दी पधारो, छोटा बछड़ा भी मर जाएगा, लोग करते रहे फोन। नागाणी डाक पंचायत के अंतर्गत धानेरा गांव में एक रूह कांपने वाली खबर सुनकर हर कोई दम रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ गौ माता के लिए लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कई संगठन आंदोलन करते हैं, मगर धानेरा गांव में एक गौ माता तड़प तड़प कर दम तोड़ दी। उसका कुछ घंटों का एक छोटा बछड़ा मां को अपने आंखों के सामने मरते देखा। धानेरा गांव के बलवंत सिंह रावणा राजपूत ने बताया कि एक आवारा गौ माता रात को तड़पते देखकर मैंने गौ माता को मेरे घर लाया और रात लगभग 3 बजे बछड़े को जन्म दिया, मगर सुबह गौ माता की तबीयत खराब हुई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इलाज करने की कोशिश की मगर कोई फर्क नहीं पड़ता देखा, तो ग्रामीणों ने सरकारी डॉक्टर से लेकर प्राइवेट डॉक्टर तक फोन किए। किसी ने घर मेहमान बताकर बाद में आने का बोला तो किसी ने कुछ घंटे बाद का बोला, मगर कोई डॉक्टर नहीं आने पर लोगों के सामने गौ माता ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब जल्दी पधारो, छोटा बछड़ा भी मर जाएगा। धानेरा गांव के लोग फोन पर डॉक्टर साहब जल्दी पधारो, छोटा बछड़ा भी मर जाएगा, अगर माँ मर गई तो आप पधारो, मगर कोई डॉक्टर नहीं आया। आखिर गौ माता तड़प तड़प कर दम तोड़ दी मगर छोटा बछड़ा का अब क्या होगा? हर बार इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? हर गांव में ऐसी घटनाएं हमेशा चलती है, क्योंकि ग्रामीणों को अपने पशुओं के लिए टाइम से डॉक्टर नहीं आने से वहीं किसानों के पशु दम तोड़ देते हैं। किसान अपने पशुओं के लिए रात दिन सेवा करते हैं, महंगे भाव में हरा चारा और सूखा चारा लाकर भी पशुओं को जिंदा रखते हैं, मगर जब पशु बीमार होते हैं तब डॉक्टर फोन तक नहीं उठाते, और कोई फोन उठाता तो है तो टाइम का हवाला देकर फोन काट देता है। किसान के सामने अपने पशु दम तोड़ देते हैं। जितनी सरपंच प्रतिनिधि दिनेश कुमार प्रजापत तत्परता दिखाई, अगर किसी एक डॉक्टर ने भी तत्परता दिखाई होती तो गौ माता जिंदा होती। क्या कहते हैं अधिकारी तहसीलदार जगदीश कुमार बिश्रोही? बहुत दुखद घटना है, मौके पर कोई डॉक्टर नहीं गया, इसकी पूरी जानकारी लेकर कार्यवाही करेंगे और आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो। क्या कहते हैं सरपंच प्रतिनिधि दिनेश कुमार प्रजापत डाक? मुझे मीडिया के माध्यम से सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर गया मगर गौ माता ने दम तोड़ दिया था। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।